इसका मतलब ये नाम रखने से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा जब तक सामने नहीं रखेंगे आप नरेंद्र मोदी के, तब तक देश आपको वोट नहीं देने वाला। भदौरिया जी कितनी सीट देंगे कांग्रेस को, यही इसी देखिए देखिए ये कहते हैं ना मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये भी गलत। पत्रकार साथी है हमारे, ये भी गलत। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वो 2019 से आगे नहीं बढ़ रहे, उनको पता नहीं 2019 में टमाटर और 2024 और 23 में टमाटर का भाव अलग है, उसमें फर्क है। और जैसे 19 में जो ताकत रहती है 24 में जाते जाते कम हो जाती है, तो आप जानते हैं, ये तो साइंटिफिक रीजन है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कमजोर हुई है, अगर कमजोर नहीं होती तो आज सबको टॉर्च लेके बुला नहीं रही होती। जब आदमी कमजोर होता है, जब पार्टी कमजोर होती है, तब उसको एहसास हो गया है कि अब हम हमारे बस में नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हमने वादे किए थे पूरे नहीं किए, जनता हमारे विरोध में जा रही है, जनता हमारे साथ नहीं है। तो पर पीएम का चेहरा कहाँ है बताइए ना, कोई तो देना पड़ेगा। समाज ये जो हमारा विपक्ष है जिसको आप इंडिया कह रहे हैं, इंडिया हमेशा से लोकतंत्र में विश्वास रखता आया है, क्योंकि इंडिया की आत्मा लोकतंत्र है, इंडिया का संविधान पे विश्वास करने वाले लोग इंडिया होते हैं। अरे अभी तक तो आप कहते थे इंडिया में लोकतंत्र खत्म हो गया, अब आप कह रहे हैं लोकतंत्र इंडिया की आत्मा है। इंडिया में मजबूत लोकतंत्र और मजबूत हो, कैसे मजबूत होगा कि आप देखिए हमारे यहाँ जब इतने दल है तो सभी बड़े बड़े नेता है, तो जब उन नेताओं में चेहरा चुनना हो तो लोकतांत्रिक तरीके से जो लोकसभा के सदस्य चुन के आएंगे, अच्छा। वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेता चुन लेंगे, चुनाव के बाद चुन लेंगे। तो शिवम क्या दिक्कत है, चुनाव के बाद चुन लेंगे।